और मजेदार चुटकुले सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पप्पू एक बारात में गया, वहाँ उसे बार बार पानी परोस दिया जाता था। बेचारा परेशान होकर चिल्लाया, गले में पानी फंस गया है, थोड़ा रसगुल्ला दो। पप्पू, ये लड़की बहुत सुंदर है। चिंटू, मैं तो इसका नाम भी जानता हूँ। पप्पू, क्या नाम है? चिंटू, यह बैंक में काम करती है, इसके काउंटर पर इसका नाम लिखा है, चालू खाता। पप्पू पुलिस स्टेशन आया और बोला, मुझे अरेस्ट कर लो, मैंने अपनी पत्नी के सर पर डंडा मारा है। पुलिस, क्या वो मर गई? पप्पू, नहीं, वो बच गई और अब मेरी खैर नहीं। प्लस पोलियो टीम घर आई संता बीबी से, बंदूक और कारतूस कहाँ है? टीम भागी, पीछे से संता ने आवाज दी, रुको, ओए रुको, ये हमारे बच्चों के नाम हैं। पांडे जी को दस्त लग गई, डॉक्टर ने कहा नींबू का इस्तेमाल करो। दो दिन बाद, डॉक्टर अब दस्त कैसे है? पांडे जी, नींबू हटाते ही फिर से शुरू हो जाते हैं। पापा, बेटा तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? पप्पू, पापा 80% आए हैं। पापा, पर मार्कशीट पर 40% लिखा है। पप्पू, बाकी के 40% आधार कार्ड लिंक होने पर सीधे अकाउंट में आएंगे। पापा बेहोश। पेशेंट, डॉक्टर साहब सुबह सुबह उठकर सांस लेने में तकलीफ होती है। डॉक्टर, कितने बजे उठते हो? पेशेंट, ठीक 8 बजे। डॉक्टर, जल्दी उठा करो, रामदेव के लोग सुबह 6 बजे उठकर सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। बच्चा, पापा मर्द किसे कहते हैं? पापा, उस पावरफुल इंसान को जो घर पर हुकूमत करता है। बच्चा, मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह मर्द बनूंगा। मेले में घोषणा हुई, एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। संता भीड़ में, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी दिखाओ, जिनका बच्चा कैसा होता है? मैं तो सुबह सुबह जागने के बाद भी 2 घंटा बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ, क्योंकि सारी रात सो सो कर थक जाता हूँ।